आज का पेपर तो इजी ही था, मतलब फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, थोड़ा जूलॉजी में, बोटनी में थोड़ा हार्ड लगा। बोटनी हार्ड लगा? लास्ट ईयर के रिस्पेक्ट्स में पेपर आसान था या टफ? नहीं, ये मेरा फर्स्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो आपने पीवाईक्यू किया होगा? हाँ। पीवाईक्यू करने का फ़ायदा? हाँ, बहुत अच्छा हुआ क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन आया था जैसा पीवाईक्यू में था। तो क्या एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था या आउटसाइड? एनसीईआरटी, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड था। अच्छा, चलो, मतलब लोगों को क्या सजेस्ट करोगे अगले साल के लिए? एनसीईआरटी पढ़ो। हाँ, सिर्फ एनसीईआरटी से ही हो जाए। चलो, थैंक यू। ठीक है, कैसा रहा बेटा पेपर आज का? काफी अच्छा था। काफी अच्छा था। पेपर लेंदी रहा पिछले साल से या छोटा था? नहीं नहीं, बिल्कुल टाइम पे हो गया था। तो पेपर कौन सा, मतलब इस बार थोड़ा सा टिपिकल लगा फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जियोलॉजी में? एक्चुअली इस बार केमिस्ट्री अच्छी थी, जुअलॉजी काफी अच्छी थी, बॉटनी भी अच्छी थी, बट फिजिक्स में तो थोड़ा सा ऐसा था, स्टेटमेंट में थ्योरी, लाइक फॉर्मूला तो याद कर लो बट थ्योरी समथिंग। तो लास्ट ईयर के रिस्पेक्ट में स्टेटमेंट बेस्ड और एसर्शन रीजन क्वेश्चन ज्यादा रहे या कम रहे? इस साल फिलअप ज्यादा, सॉरी मैचअप ज्यादा रहे, मैचअप क्वेश्चन ज्यादा थे, मतलब एक तरफ से क्वेश्चन बड़ा बना, लेंदी बना। हां, मतलब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था या आउटसाइड एनसीईआरटी? नहीं, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड। क्या सजेस्ट करोगे अगले साल के लिए बच्चों को? आई मीन फोकस ऑन एनसीईआरटी, बाकी तो हो जाता है। फिजिक्स में ज्यादा टाइम दो, केमिस्ट्री एनसीईआरटी से पढ़ो और बायो के लिए भी एनसीईआरटी रेफर करो, कोई और बुक्स की जरूरत नहीं है। चलो, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। पेपर सही था। कौन सा पेपर टफ लगा? फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जियोलॉजी? फिजिक्स टफ लगा जी। इस बार मैट्रिक्स मैचेस क्वेश्चन सुन रहे हैं, ज़्यादा आए थे मैच विद द कॉलम वाले? पता नहीं सर, मैं तो पहली बार दे रहा हूँ। अच्छा, फर्स्ट टाइम दे रहे हो जी। अच्छा, तो बाकी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन दिखा या कैसा लगा? हाँ जी, एनसीईआरटी बेस्ड ज़्यादातर था, बायोलॉजी था। अच्छा, बायोलॉजी एनसीईआरटी बेस्ड था। केमिस्ट्री का पेपर? केमिस्ट्री भी था ज़्यादा। केमिस्ट्री में कौन सा टफ लगा पोर्सन, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक? फिजिकल लगा। फिजिकल जी, बाकी सब ठीक था जी। चलो, बेस्ट ऑफ लक। हाँ बेटा, आपने पेपर लिखा, एक छोटा रिव्यू चाहिए था पेपर का, कैसा रहा आज का पेपर? पेपर ठीक रहा सर। पेपर लेंदी था या ठीक था? ठीक था, इजी था, कट ऑफ आई जाएगी बात। कट ऑफ आई जाएगी? अच्छा। कैसा, मतलब इस बार जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जियोलॉजी में सबसे ज़्यादा, मतलब किस में लगा आपको टाइम? सबसे ज़्यादा तो केमिस्ट्री में लगा मुझे। केमिस्ट्री में ज़्यादा लगा? केमिस्ट्री वीक है तो फिर बाकी बच्चों का तो नहीं पता। अच्छा अच्छा, तो थोड़ी केमिस्ट्री वीक की। अच्छा, थोड़ा आप इधर आ जाओ क्योंकि इंस्टीट्यूट का बैनर लगा हुआ है, लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं इसलिए। अच्छा, तो इस बार लेंदी में मतलब पेपर कौन सा रहा तीनों में? बॉटनी जियोलॉजी में लेंदी तो नहीं था कोई, मतलब कोई नहीं था। एनसीईआरटी बेस्ड था या आउटसाइड एनसीईआरटी? एनसीईआरटी बेस्ड ही था। तो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया था? हाँ। तो प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन कुछ रहा, मतलब एकदम सेम तो नहीं थे बट सिमिलर थे। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा रहे या थ्योरेटिकल बेस्ड? फिजिक्स वगैरह में थ्योरेटिकली थे ज्यादा। केमिस्ट्री में फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में कौन सा टफ लगा? मेरे को ऑर्गेनिक टफ लगा। ऑर्गेनिक टफ लगा। अच्छा, मतलब ओवरऑल ठीक हुआ पेपर? हाँ ठीक। चलिए, गुड लक। पेपर कैसा रहा आज का? ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट था? हाँ। तो पेपर एनसीईआरटी बेस्ड था या अलग से रहा? नहीं, मतलब हर जगह से आया होता है, एनसीईआरटी भी और उससे भी। एनसीईआरटी से बाहर भी रहा? तो क्या पीवाईक्यू आपने किया था लास्ट ईयर का? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया था? हाँ, मतलब कौन सा पेपर टफ लगा फिजिक्स केमिस्ट्री और बॉटनी जियोलॉजी में? फिजिक्स। फिजिक्स टफ लगा। चलो, थैंक यू। एक छोटा सा रिव्यू चाहिए था, कैसा रहा पेपर आज का? पेपर तो मतलब ईजी था आज का। ईजी था, मतलब कट ऑफ टफ हाई जाने की तैयारी है? हाँ सर, है ना। कौन सा पेपर टफ लगा फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जियोलॉजी में? थोड़ा तो फिजिक्स का ही लगा। फिजिक्स टफ लगा। इस बार मैच द कॉलम ज़्यादा आए थे या कम थे इस बार? मीडियम ही थे। मीडियम थे। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था या आउटसाइड एनसीईआरटी? एनसीईआरटी से ही आ रहे थे। एनसीईआरटी से। बायो में तो सारा एनसीईआरटी। बायो पूरा एनसीईआरटी, मतलब बच्चों को एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। हाँ। चलिए, गुड लक। रिव्यू लेना था, कैसा रहा आज का पेपर? बढ़िया था आज का। बढ़िया रहा? ग्रेट था। अच्छा, कौन सा पेपर टफ लगा? टफ केमिस्ट्री लगा था। केमिस्ट्री? केमिस्ट्री में क्या फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक का पोर्शन? फिजिकल मुझे लगा था। फिजिकल। अच्छा अच्छा, बायोलॉजी जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड था या बाहर? नहीं, एनसीईआरटी बेस्ड ही था सर। एनसीईआरटी बेस्ड था। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने किया होगा, क्या उसका बेनिफिट मिला? हाँ, बेनिफिट तो है। अच्छा, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे फिजिक्स में या थ्योरेटिकल बेस्ड? हाँ, दोनों मिक्स थे। दोनों मिक्स थे। चलो, थैंक यू। एक छोटा सा रिव्यू चाहिए था, कैसा रहा पेपर? अच्छा था काफ़ी, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे उसमें। अच्छा, तो इस बार लॉन्ग क्वेश्चन थे या मतलब थोड़ा शॉर्ट रहे पेपर? शॉर्ट था। शॉर्ट था। हाँ, एसेप्शन रीजन लास्ट ईयर से ज़्यादा था या कम? लास्ट टाइम मैंने दिया नहीं था। अच्छा, लास्ट नहीं दिया था। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने किया था? हाँ किए थे। तो क्या उसका कुछ बेनिफिट हुआ? उसके काफी पेपर जो था वो एनसीईआरटी बेस्ड था या आउटसाइड एनसीईआरटी? एनसीईआरटी बेस्ड था। एनसीईआरटी बेस्ड, मतलब एनसीईआरटी काफी है सिलेक्शन के लिए। अच्छा, बट प्रीवियस क्वेश्चन भी कर लो तो ठीक है। इस बार कैसा लगा, क्योंकि फिजिक्स फोबिया होता है जनरली बच्चों में? फिजिक्स काफी टफ था, लिटरली। हां, अच्छा, मतलब फिजिक्स डिसाइडिंग हो सकता है रिजल्ट का? हां। ओके, थैंक यू दोस्तों। सर, बड़ा पेपर सर बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। कौन सा अटेम्प्ट था? समय थर्ड अटेम्प्ट था। थर्ड। लास्ट ईयर क्या स्कोर रहा सर? लास्ट ईयर में 500 आए थे, 505। इस बार होप सो 6 प्लस जाएगा। हां। कौन सा पेपर सबसे अच्छा किया आपने? मैंने केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। अच्छा, फिजिक्स कैसा किया? फिजिक्स अच्छा गया। अच्छा, और बॉटनी जियोलॉजी? बॉटनी जियोलॉजी भी अच्छा था। इस बार क्या एसर्शन रीजन वगैरह परेशान किया कुछ वैसा? क्या
असर्शन रीज़न तो थे काफ़ी को असर्शन रीज़न पेपर में, लेकिन अगर तुमने प्रैक्टिस अच्छे से करी है तो फिर तुम कर लोगे उन्हें। लास्ट 15 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या एडवांटेज मिला होगा? काफी एडवांटेज था। हाँ। मतलब काफी चीजें रिपीटेशन में दिख रही थी। हाँ। सिमिलैरिटीज दिख रही थी। हाँ, काफी सिमिलैरिटीज है। अच्छा, तो टिपिकल पोर्शन कौन सा रहा चारों में, बॉटनी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में? मेरे हिसाब से थोड़ा सा फिजिक्स लगा। हाँ। मतलब डिसाइडिंग फैक्टर रिजल्ट का फिजिक्स हो सकता है। अच्छा, और बाकी बायोलॉजी एनसीईआरटी बेस्ड था? हाँ, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड। हाँ। मतलब बायोलॉजी में बिल्कुल बच्चा एनसीईआरटी फॉलो करे, बाकी चीज़ों को ना देखे। हाँ, बिल्कुल। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। कैसा रहा पेपर? बढ़िया था। एक मिनट रुक जाओ, मेरे को लेट हो रहा है थोड़ा सा, दो मिनट की बात है। पेपर ठीक किया आपने? अच्छा, कौन सा पेपर टफ था इस बार? कोई सा भी नहीं, सब सारा ठीक था, मॉडरेट था। और इस बार जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था या आउटसाइड एनसीईआरटी था? फिजिक्स टफ लगा या जी? फिजिक्स था। और बॉटनी जियोलॉजी एनसीईआरटी बेस्ड था या आउटसाइड एनसीईआरटी? एनसीईआरटी पूरा क्वेश्चन था। मॉडरेट था या टफ था? फिजिक्स इजी थी और बायो भी इजी थी, थोड़ी केमिस्ट्री मुश्किल। केमिस्ट्री मुश्किल लगा। तो एनसीईआरटी बेस्ड पेपर था या एनसीईआरटी से बाहर? एनसीईआरटी बेस्ड। एनसीईआरटी बेस्ड था। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मेरा सेकंड है। अच्छा, पेपर में क्या लगा डिफिकल्टी पोर्शन? डिफिकल्टी पोर्शन ऐसा सच कुछ नहीं लगा, बट जैसे केमिस्ट्री में लर्न करने वाइज थोड़ा होता है ना, जैसे कि इनऑर्गेनिक वाला, ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक थोड़ा। अच्छा अच्छा, तो एनसीईआरटी बेस्ड पेपर दिखा या बाहर दिखा? एनसीईआरटी बेस्ड था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया था आपने जो लास्ट 10 ईयर का, उसका कुछ फायदा हुआ? फायदा तो होता है। फायदा हुआ, मतलब प्रीवियस भी करना है और एनसीईआरटी भी करना है। चलिए, गुड लक। कैसा रहा आज का पेपर? ठीक रहा। पेपर लेंदी था या मॉडरेट था? नहीं, मॉडरेट था। तो एसर्शन रीजन वगैरह ज़्यादा दिखा या कम? नहीं, मैच द फॉलोइंग ज़्यादा थे। मैच द फॉलोइंग का है। तो बायो इस बार एनसीईआरटी बेस्ड था या एनसीईआरटी बाहर था? नहीं, एनसीईआरटी बेस्ड। और केमिस्ट्री का पेपर? केमिस्ट्री भी ठीक था। फिजिक्स में कैलकुलेशन ज़्यादा था, सुनने मारा कि लेंदी पेपर था फिजिक्स का। फिजिक्स तो हो गया, हो गया। केमिस्ट्री में कौन सा पोर्शन लगा? टेप का रिव्यू आप लोग का चाहिए। पेपर दिया ना, कैसा रहा आपका पेपर? ठीक रहा। कौन सा मतलब बॉटनी, जियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में सबसे टफ कौन सा लगा आपको? केमिस्ट्री। बायोलॉजी क्या आपका दोनों एनसीईआरटी बेस्ड था पूरा? हाँ। केमिस्ट्री में क्या एनसीईआरटी से बाहर दिखा? पता नहीं, मैंने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी। नहीं पढ़ी आपने केमिस्ट्री? मतलब केमिस्ट्री टिपिकल लगा। अच्छा, एसर्शन रीजन वगैरह जो है वो ज़्यादा क्वेश्चन थे पिछले साल से या कम? पहले अटैम्प्ट है। तो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया था? अच्छा, 12th के साथ किया है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। वो पेपर सही था। लेंदी लगा पेपर कि ठीक लगा? लेंदी था। कौन सा पेपर टफ लगा फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जियोलॉजी में? फिजिक्स केमिस्ट्री ठीक थे, बायो थोड़ा डिफिकल्ट था, लेंदी। अच्छा, एनसीईआरटी बेस्ड था या आउटसाइड एनसीईआरटी? एनसीईआरटी बेस्ड था। हां जी। चलिए, गुड लक। ठीक गया पेपर। कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो इस बार का पेपर लास्ट ईयर के रिस्पेक्ट में टफ लगा या इजी? ठीक ही है इस टाइम भी। ठीक है, बॉटनी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री और आपका जो है वो फिजिक्स में सबसे टफ क्या लगा? फिजिक्स टफ लगा। और बॉटनी जियोलॉजी इस बार एनसीईआरटी बेस्ड था पूरा? हाँ, ठीक ठाक ही था। केमिस्ट्री का पेपर सब सेम ही था पूरा? सेम था। तो क्या ऑर्गेनिक वगैरह का पोर्शन इस बार टफ रहा क्या? मॉडरेट था। मतलब जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह अगर किया होगा लास्ट 10 ईयर तो उसे बेनिफिट मिला था? काफ़ी बेनिफिट। अच्छा, काफ़ी बेनिफिट मिला उसका। अच्छा, चलिए, थैंक यू, गुड लक। मॉडरेट था, एनसीईआरटी बेसिस ही था। अच्छा, और जिसने मतलब डीप पढ़ा होगा, बहुत ज़्यादा मतलब ये लाइन बाई लाइन पढ़ा होगा वही मतलब। अच्छा, लास्ट ईयर के रिस्पेक्ट में टफ था या जी? थोड़ा टफ था। अच्छा, रिड्यूस हुआ है सिलेबस। बॉटनी, जियोलॉजी और केमिस्ट्री और इसमें कौन सा ज़्यादा टफ लगा? बॉटनी का लगा। और जो इस बार नया चीज़ जैसे केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐड किया गया था, तो क्या उससे क्वेश्चंस बने थे? मैं उतने नहीं बने थे। अच्छा, उतना ज़्यादा नहीं बना था। जो सिलेबस को हटाया गया था उससे तो क्वेश्चन नहीं आया? नहीं, जैसे पी ब्लॉक वगैरह में केवल जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आया, उससे नहीं बने। अच्छा, मतलब रिएक्शन वगैरह से तो क्वेश्चन नहीं बना पी ब्लॉक में, केवल जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो सिलेबस में था उसी से क्वेश्चन आया, जैसे जैसे टॉपिक्स थे मेन। अच्छा, उसी में से। तो क्या केमिस्ट्री भी एनसीईआरटी बेस्ड रहा? केमिस्ट्री भी एनसीईआरटी बेस्ड। मतलब लोग को सजेस्ट क्या करोगे, एनसीईआरटी पढ़ो? एनसीईआरटी। चलो, गुड लक। कैसा हुआ पेपर? ठीक हुआ। पेपर मॉडरेट था या लेंदी? नहीं, मॉडरेट था। एनसीईआरटी बेस्ड था या आउटसाइड? एनसीईआरटी बेस्ड। और जो सेक्शन जो कटे थे इस बार सिलेबस से रिड्यूस हुए थे, क्या उस कटे हुए सेक्शन से तो नहीं आया? नहीं, कटे सेक्शन से नहीं आया। केमिस्ट्री में सबसे टफ क्या लगा, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक? केमिस्ट्री में मॉडरेट था, सब हार्ड क्वेश्चन था। अच्छा, और फिजिक्स का पेपर? फिजिक्स का भी ठीक। कैलकुलेशन ज़्यादा थे या कैलकुलेशन? कैलकुलेटिव था। चलिए, गुड लक। कैसा रहा बेटा आज का पेपर? ठीक था। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? सेकेंड अटेम्प्ट। तो लास्ट ईयर के रिस्पेक्ट में इस बार पेपर मतलब टफ लगा या ईजी लगा? इजी था। बॉटनी, जियोलॉजी में दोनों में कौन सा पेपर लेंदी लगा? बॉटनी।
बट नहीं, एनसीईआरटी बेस्ड था या बाहर था? बेस्ड था। और केमिस्ट्री का पेपर वो इजी था? इजी था। फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में कौन सा पोर्शन थोड़ा टफ लगा? ऑर्गेनिक। और फिजिक्स का पेपर कैलकुलेटिव ज़्यादा रहा या कम रहा? कम था ज़्यादा। अच्छा, मतलब लास्ट ईयर के रिस्पेक्ट में ओवरऑल पेपर इस बार इजी लगा कि टफ? इजी। गुड लक।